for thin film and also for the Newton's ring. For both, there are two different ways we can look at this thin film, either by reflection or by transmission. So reflection means if this is a thin film and you just incident the light from the source, and then it gets reflected back from two different surfaces, and then you are seeing from the same side. That is a reflection. And for transmission, the light is again incident from the source, but now it gets refracted and then it gets reflected. So this is what is the difference. So in both cases, we have learned that the conditions are something like this. So if you talk about, say, dark, what should be the condition? 2 mu t cos are equal to? Whereas here the condition for darkness is 2n plus 1 lambda, or 2n plus 1 by 2 lambda. And of course, when you talk about the Newton's ring, then mu equal to 1, cos r equal to 1, that is the condition that we take. But for bright, the conditions are opposite, exactly opposite. 2 mu t cos r equal to 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda. And then lambda. Whereas here it is 2 mu t cos r equal to n lambda. And then we concluded that if the light is appearing, the thin film is appearing bright in the reflection, it will appear dark in transmission. And if it appears dark in reflection, then it will appear bright in transmission. Theek hai? Is there any doubt? Any question? The conditions will be similar for Newton's ring, except that this mu will be 1 and cos r equal to 1, so 2t equal to n lambda. And here 2t equal to 2n plus 1 by 2 lambda. Okay? Something like this. Now, we take the practical example of Newton's ring. How practically we can just find out these Newton's rings, their diameter, and we can determine either the wavelength or रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेनोगोनिक. इसमें से दो भी जो दोनों में से एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रैक्टिकली. यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट. नाउ व्हाई यू नीड टू फाइंड आउट दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर? वेवलेंथ ठीक है, एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है? कहाँ यूज करते हैं आप? मान लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने जैसे के एक अप्रोक्सीमेशन के तौर पे निकाल लिया, ठीक है, 1 मीटर है, 1.01 है, समथिंग लाइक दैट. क्या फर्क पड़े? रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा 1 मीटर है तो 1.1 मीटर लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि आप ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना सीरियसली फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के टर्म में इतने एक्यूरेट आप निकाल रहे हो? व्हाई इट इज नीडेड? कहाँ यूज करते हैं आप लेंस? मतलब इस लेवल पर? हाँ, कैमरा में. और बाइनोकुलर्स? और गॉगल? और स्पेक्स?
एक से तो ठीक है, माइक्रोस्कोप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उसको, हाँ यार तुम तो वेरी गुड एप्लीकेशन, माइक्रोस्कोप। तो जो आप उसको माइक्रोस्कोप में जो एग्जैक्टनेस होना चाहिए, या टेलीस्कोप में जो एग्जैक्टनेस होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इमेज विल अपियर ए वाइडर देन व्हाट इट शुड बी, और इट विल बी मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम दिखेगी, ठीक है। और इट मे अपियर लाइक बीम ब्लर, अगर वो फोकस सही से एडजस्ट नहीं हुए दोनों के, आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों के आई फोकस अगर सही से नहीं हुए एडजस्ट, यू विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज वेरी प्रॉपरली। दैट विल बी सेम इन केस ऑफ स्पेक्स, स्पेक्टेकस में क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी प्रॉपरली, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट यू टॉक अबाउट योर मोबाइल फोन, उसमें इतना छोटा होता है वो लेंस, अब उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए था आपको सपोज 1 मीटर, दे दिया आपको 1.1 मीटर, जब आप फोटो निकालेंगे तो कैसे आएगा वो, इट विल नॉट बी प्रॉपर, ठीक है, वो सही से फोकस नहीं होगा, तो इट विल अपियर लाइक ब्लर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स यस वाई वेयर आर यू आर यूजिंग द लेंस, वेयर आर यू आर यूजिंग द मिरर्स, यू नीड टू नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी शार्पली। जैसे आपके बाइक में जो मिरर्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक दो सेंटीमीटर का फर्क चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन वो बहुत बड़े टेलीस्कोप जो है उसमें 1-2 सेंटीमीटर का फर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इफ यू नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर नाइसली, ठीक है, एग्जैक्टली आपको अगर पता है, देन यू कैन गो फॉर द वेवलेंथ ऑफ द एनी अननोन सोर्स। मोस्टली इन न्यूटन्स रिंग केस वी यूज दी सोडियम वेपर लैम्प, लास्ट टाइम बताया था क्या मैंने, देखा है आप लोगों ने सोडियम वेपर लैम्प क्या होता है? स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट लाइट, येलो कलर स्ट्रीट लाइट, आजकल बहुत कम दिखते हैं वो एलईडी की वजह से, बट मे बी इन ओल्ड प्लेसेस यू विल फाइंड दिस येलो कलर स्ट्रीट लाइट। तो दीज आर सिमिलर टू दी सोडियम वेपर लैम्प व्हाट वी यूज, एक्सेप्ट दैट दी स्ट्रीट लाइट्स आर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प एंड वी यूज द लो प्रेशर। सो दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, दिस मोनोक्रोमेटिक बिकॉज इट हैज ओनली टू वेवलेंथ। ओम सराय, व्हाई यू आर ज्वाइन विथ पर्सनल आईडी? सो इट हैज ओनली टू वेरी क्लोज वेवलेंथ, 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। सिंस दिस टू वेवलेंथ आर सो क्लोज, 6 एंगस्ट्रॉम यूनिट ओनली, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। And then we use this light to understand or to calculate, not understand, to calculate the radius of curvature of the plano convex lens. So the experiment is something like this. This is a plano convex lens which is kept on plain glass plate, and then this is a light source, and the light source is followed by the plano con sorry double con convex lens. इसका क्या खासियत है, ये क्यों लिया हम? एंड देन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस ग्लास प्लेट, दिस ग्लास प्लेट इज केप्ट एट 45 डिग्री एंगल, देन लाइट विल ट्रैवल इन दिस प्लेट, थोड़ा सा ये होगा।
ये लेंस क्यों यूज किया हमने एल, तो क्या रीजन है? सोडियम वेपर लें, एस इज सोडियम वेपर लें. नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल कॉन्वेक्स लेंस? स्पीक आउट, बहुत आसान है. इंसिडेंट वो जो फोकस हो रही है उसे बढ़ा, फोकस हो रही है उसको क्या करना है? लार्ज एरिया में फैला है. क्या क्यों फैला है? टू डिक्रीज द इंटेंसिटी. उससे क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी से? इंटेंसिटी डिक्रीज करने के लिए तो हम फिल्टर भी लगा सकते हैं. इंटेंसिटी डिक्रीज करके क्या करेंगे? यू आर यूज दिस काइंड ऑफ लेंस. ओनली थिंग इज दैट यू आर यूज इन रिवर्स एप्लीकेशन. For example, if there is a light, it is coming like this, then you put a lens and it gets focused at point. So, focus ho jata. Ye aapne dekha hai. Theek hai? Haan sir. Ab isko ulta karo. If there is a light which is diverging, is source yahan pe hai. And then light is diverging. अब डाइवर्जिंग लाइट को पैरेलल अगर बनाना है तब जाके ये लेंस हमें यूज करना है. ये लेंस इस टाइप से यूज करना है कि इसका फोकस जो है वो सोर्स पे आ जाए. ठीक है, अगे धन में एक प्रॉपर्टी आपको जो पता थी वो दिस इज समथिंग लाइक पैरेलल रेज अगर है तो उसको फोकस करना है तो हम ये लेंस यूज कर देते. अब यहाँ उल्टा करना, अब दिस इज डाइवर्जिंग एंड देन वी आर मेकिंग देम parallel. Yes, rays has to be parallel for reflecting at 90 degrees. Well said, Shubhankar. So they will reflect at 90 degrees. They will come this way. That is normal incidence. Ye ho gaya normal incidence. Normal ke direction mein aage na, upar se niche. Dikh raha hai ye? Yes. And then when we have the normal incidence, the light will go directly like this. It will reflect back from one surface and the other surface and it goes back. Okay? And then when it goes back, now we can collect this light into micrometer. So we have a micrometer. And you can see the rings from the top. Top se aap wo rings dekh sakte. Now the conditions for this we have already calculated and that was come out to be Rn square equal to आया था 10 लैम्बडा आर. किया था ना हमने, कैलकुलेट किया था. यू कैन कैलकुलेट इट हियर, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते. 2t इक्वल टू n लैम्बडा. ये डार्क की कंडीशन होगी. म्यू इज 1, R is 0 and therefore cos R is 1. Okay. Now we know the value of we know the value of T which is equal to Rn square upon 2R. We have calculated T which is equal to m lambda. 2 get cancelled out. R goes on to right hand side. Rn square equal to n lambda. इसके बाद इसका रेशो भी निकाला था हमने. R1 is to R2 is to R3 is to R4. याद है? Yes sir. एक ही है क्या, बाकी सब नहीं क्या क्लास में? एक ही आवाज आ रही है मुझे. आई डोंट माइंड इफ इट इज अ केओस इन माय क्लास, यू शुड स्पीक. ठीक है, अदरवाइज आई विल आस्क वन बाय वन. ठीक है, इफ दिस इज द कंडीशन फॉर से आर एन स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ एनएथ रिंग, दैट मीन्स आर वन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 लैम्बडा आर. R2 will be equal to
टू लैम्डा आर, ठीक है, एंड सो एंड सो फॉर. नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी एन स्क्वायर. कितना है मृदुला, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डी एन स्क्वायर इफ डी एन इज द डायमीटर, आर एन इज द रेडियस. वी नो आर एन इक्वल टू डी एन डिवाइडेड बाय टू, सो शुड इट बी टू लैम्डा, टू एन लैम्डा. Vidula, are you there? Yes, sir. What will be the value of dn square? दोनों वैल्यू दे दिए ना, आर्यन स्क्वायर की पता है हमें, आर्यन पता है, डीएन बाय टू, तो डीएन स्क्वायर कितना आएगा? आयुष, आयुष झा नंबर 12, आर यू देयर? फोर आर्यन स्क्वायर आएंगे. यस, फोर आर्यन स्क्वायर, वेरी करेक्ट. हम इस पे लिख सकते हैं ना, आर्यन स्क्वायर इक्वल टू एन लैम्डा, तो ठीक है, मैं एज इट इज लिख दिया और आर्यन की वैल्यू लिख दी मैंने डी एन बाय टू, ठीक है, डी एन बाय टू होल स्क्वायर. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वेन यू विल राइट दिस एक्सप्रेशन इन एग्जाम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. क्विकली आप लिख देते कि ये टू इधर चला गया, नहीं. So this is dn square equal to, this becomes 4 to 4 n lambda. Hmm, 4 n lambda. Very correct, Shubhankar. Now, if we know this, okay, and what I can write is say dn square equal to 4 lambda r. Which are constant. Only variable is n. And then I just draw the graph between these two. Which two? Dn square on y-axis. Let me take y-axis first. And then let us go for the x-axis. Now, if this axis is n, this is dn square, and this is the relation dn square equal to 4 lambda r into n. Okay. What will be the graph? Shape of the graph? Graph ka shape kya ho? Astha. इलेवन, यस सर. या व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ, क्या होगा, कैसे, किस टाइप से ये ग्राफ है? विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन, विल इट बी अ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, क्या हो, या सम कर्व? नहीं, अनुकूल. अनुकूल रोल नंबर 8, आर यू देयर? नहीं, खुशी साहू 23. बहुत सिंपल है ये तो, मैथमेटिक्स में आपने बहुत बार किया है. नहीं, खुशी साहब आ रही देर?
What is the question? Yes. This is the equation. Dn square equal to 4n lambda r. So here lambda and r are constant. They are not changing. They are fixed. So if I draw the graph between dn square and n, what will be the shape of the graph? Will it be a straight line? It will be a parabola, hyperbola, curve. Okay, curve. Suraj says curve. Sir, I think slope. You think? Slope. Slope. Yes, sir. Which slope? Because one curve has a slope. So you want to say it is a straight line or it is a curve? Straight line slope, yes. Yeah. Straight line. Okay. Okay. Shubhankar is also saying straight line, inclined straight line starting from origin. Okay. Why, Shubhankar, you think that it will be a straight line? Because you know, we have studied this. Aap logon ne padha y square equal to 4ax. What is it? Yes, sir. We can. This equation is. Parabola. ये कुछ इस टाइप से आता है या इस टाइप से आता है, ठीक है? ऐसे ऐसे आते हैं, yes. जो भी है इसमें से जो भी होगा, तो इट इज अ पैराबोला. द इक्वेशन इज सिमिलर हियर. व्हाई यू डोंट गेट अ पैराबोला हियर? यस, वेदांती इज सेइंग पैराबोला. सूरज सेज कर्व. बाकी लोगों को क्या लगता है किस टाइप से ग्राफ आएगा ये? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर सभी कांस्टेंट है क्या? बाकी सब कांस्टेंट है. dn स्क्वायर और n दो ही वेरिएबल है. n मतलब nth रिंग, जो रिंग हमने देखे थे ना इसकी, न्यूटन्स रिंग्स, उसकी रिंग. n इज द नंबर, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग. तो साइमल्टेनियसली बढ़ेगा सर वो दोनों, तो क्या आएगा फिर? कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा सर ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? ये सिमिलर इक्वेशन में तो पैराबोला आ रहा है. सर बढ़ते जाएंगे ना सर, एन की वैल्यू बढ़ेंगी सर, डायमीटर भी बढ़ेगा ना सर. तो ठीक है ना, बढ़ने दो ना. वो तो सभी केस में बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगा? खुशी, व्हाई यू थिंक इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन? व्हाई नॉट कर्व? डीएन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एन. कहाँ है ये देखो इक्वेशन. This dn square is proportional to n. dn is not proportional to n. You can get the answer quickly. You are on right track. She is right actually. She has made small mistake. dn square is proportional to n. इसको हम लिख सकते हैं dn स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n. ओके, एंड वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन dn स्क्वायर एंड n. रिमेंबर dn स्क्वायर और n, यहाँ पे हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दिस इज इन बिटवीन y एंड x. इट इज नॉट y स्क्वायर एंड x. y स्क्वायर और x को एक बीच में ग्राफ निकालेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा. तो शुभंकर योर फर्स्ट आंसर वॉज करेक्ट. लेट मी गो फॉर रूलर. रूलर सम काइंड ऑफ लाइक दिस. नाउ माय क्वेश्चन. ओके, बिफोर आई आस्क क्वेश्चन, एनी डाउट? लेट मी गिव यू चांस टू आस्क क्वेश्चन.
अगर हम dn और n के बीच में ग्राफ निकालते तो वो पैराबोला आ गया धन में, बिकॉज देन dn इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n, देन dn विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, या dn स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n, और dn और n के बीच में हम ग्राफ निकाल रहे तो वो पैराबोला, ये पैराबोला नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। नाउ एज वी इंक्रीज द n वैल्यू, से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस, then the dn square value increases in that proportion, therefore this is the proportionality, dn square is proportional to n, remember n, theek hai, yahan tak kisi ko koi doubt, any question? Now what we can do is we can take one value as n and the other value as m, okay, on this, and then I can just find out which one is this n value. Okay, now this is n value, so this is the n value, and then we have the m value. So n and m are the number, first ring, second ring, third ring, fourth ring, and so on and so forth. These are just numbers, okay, simple number, and the diameter of these will be given by corresponding diameter value, okay. So this is the value of dm square, this will be dm square, or ye corresponding to n, there is this value d n square, n से corresponding d n square, m से corresponding d m square. These are dummy suffix. M n, you can take a b c d, whatever it may be, whatever you like. Okay. P q r s, so p or q, d p square, d q square. ऐसे कुछ आप कुछ भी ले सकते हो. There is no problem. ठीक है. Now here I just try to find out the slope first. What is the slope of this graph? कैसे निकालते हैं स्लोप बताओ, स्लोप कैसे निकालते? Yes, y1 minus y2 upon क्या? x2 minus x1. नहीं, y1 minus y2 अगर है तो x1 minus x2, y2 minus y1 है तो x2 minus x1, the pair should be same, so it should be y2 minus y1 upon x2 minus x1, or y1 minus y2 upon x1 minus x2. You take any one, there is no problem. We take say y2 minus y1, so y2 will be this, ठीक है, ये two value और ये one value. So y2, y2 is dn square. Dn square. Y1 is dm square. Dm square. Divided by x2 minus x1. N minus n. Okay? Now why we are trying to find out this slope? Okay. Now, if I write these two equations, I have this dn square equal to 4n lambda r. Okay, so I have dn square equal to 4n lambda r, and I can write, since this is dummy suffix, I can write dm square 4m lambda r. Now I try to find out the value of this slope. So the dn square minus dm square, kitna aayega? dn square minus dm square equal to 4 constant hai, lambda constant hai, r constant hai. So 4 is constant, n minus m, dn minus dm, n minus m, and then lambda r. Okay. So from this equation, if you know say r, you can find out lambda. Okay. So this is dn square minus dm square upon 4
एन माइनस एम आर। ठीक है, या अगर आपको लैम्बडा पता है तो आर निकाल सकते हैं आप, तो वी कैन राइट द इक्वेशन इन आर, डी एन स्क्वेयर माइनस डी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर एन माइनस एम लैम्बडा। दोनों केस में, दोनों केस में वेर इज द स्लोप, ओके दिस इज द स्लोप, डी एन स्क्वेयर अपॉन माइनस डी एम स्क्वेयर अपॉन एन माइनस एम, दैट इज द स्लोप। तो दिस वैल्यू इज द स्लोप, इन दिस केस दिस वैल्यू इज द स्लोप। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट द इक्वेशन एज, स्लोप डिवाइडेड बाय फोर आर, सिंपल, और हियर स्लोप डिवाइडेड बाय फोर लैम्बडा। अगर आपको कोई भी दो रिंग्स का डायमीटर पता है तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इफ यू नो लैम्बडा, और वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ यू नो आर। ठीक है, वेरी करेक्टली यू कैन जस्ट फाइंड आउट, सो वी कैन मेजर द डायमीटर, इट इज वेरी सिंपल टू मेजर द डायमीटर, डायमीटर मेजर करना बहुत आसान है। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो, समझ में आ गया? यस सर, डायमीटर कैसे निकालना वो देखेंगे, डायमीटर कैसे निकालना प्रैक्टिकली कैसे निकालना, नो डाउट, नो क्वेश्चन इसमें तो नहीं। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास ये वैल्यू है, डी एन स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, एन तो पता ही है आपको, अगर लैम्बडा पता है तो आर निकल सकता है, आर पता है तो लैम्बडा निकल सकता है, ये सब करने की क्या जरूरत है, ये ग्राफ निकालने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट अस राइट दिस एज इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से ही पता चल जाता है ना आपको लैम्बडा कितना है, तो अगर आर पता है why you are doing this graph and all this things, kya zarurat hai iski? Come on, think about it, or you ask question. Graph se pata chalta, kya pata chalta? जस्ट मिनट, मे बी रेडियस, हाँ नहीं वो तो इससे भी पता चल रहा है ना। यस सर, क्या फर्क पड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों इसके पीछे पड़े, फिर ये ग्राफ निकालो, ये करो वो करो, एक ही वैल्यू से आपको लैम्बडा की वैल्यू पता चल जाती है या आर की वैल्यू पता चल जाती है, तो आप क्यों ये चार से वैल्यू दस वैल्यू निकाल के फिर उसका ग्राफ निकाल के फिर ये सब करना चाहते हैं, क्यों? चलो इन जनरल मान लेते हैं कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में कितने रीडिंग लेते हैं? चार। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन यू You take in general, चार से in experiment. At least five. Minimum 3 to 4. ठीक है, why? Accurate reading. तीन लेते, क्यों लेते? तीन क्यों लेते? आप शॉप में जाते हैं तो क्या तीन बार रीडिंग लेता है क्या? वो एक ही बार लेता है,
आप क्यों तीन बार लेते हैं? भरोसे नहीं है सर खुद पे। एक्यूरेसी, यस। यहाँ पे भी आपको एक्यूरेट रीडिंग है कि नहीं ये पता भी चलेगा, और देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ यू नो द आर। रिमेंबर लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-10 इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगस्ट्रॉम। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट से विजिबल लाइट इट इज 300 to 700 nanometer. So you are talking about 300 × 10^-9, इतना छोटा, ठीक। अब आपने थोड़ा सा भी इधर आर की वैल्यू में 1 cm, 2 cm गड़बड़ कर दिया तो उधर वेवलेंथ तो कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा, राइट। ऑल्सो इफ यू टेक रीडिंग फॉर दिस डायमीटर, सपोज फॉर दिस द रीडिंग कम्स लाइक दिस, नो यू नेवर नो देयर कुड बी अ रीडिंग हियर विच इज मच अवे फ्रॉम द रियल वैल्यू, तो दिस कुड बी अ एरर। अगर मान लिया कि आपने कि यही एक रीडिंग ले लिया, डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्बडा, n ले लिया आपने सपोज 3 के लिए, ठीक है। तो 3 के लिए अगर आप ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इट विल बी अ एरर, राइट। ये बड़ा सा एरर हो जाएगा। आपकी वेवलेंथ आनी चाहिए 500 नैनोमीटर के आसपास या 600 नैनोमीटर के आसपास, आपकी आ गई तो 2000, इट इज नॉट इन विजिबल रेंज। सो दैट्स व्हाई यू नीड लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन जस्ट इन दिस केस वी टेक एटलीस्ट 10 ऑब्जर्वेशन, मिनिमम 10, यू कैन टेक 20 फॉर मोर एक्यूरेट, एंड देन वी प्लॉट द ग्राफ so that this difference dn square minus dn square upon n minus m is quite accurate, quite accurate, ठीक है, समझ में आ गया? Yes, no? How do you find the diameter? ठीक है, आपको ये अब here it is. I'll just take the same image what we used last time. There it is. Oh, okay. Now this is how you see the Newton's rings. Diagram जो दिख रही है हम ऐसे दिख रही है, ठीक है। Now you have to find out the diameter of say first ring. Just clean this. And suppose you want to find out the diameter of first, second, third, fourth, अलग अलग आपको निकाल। ये एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। उसके बाद ये डार्क और ये डार्क इसके बीच में ये फाइंड आउट करना, उसके बाद ये डार्क और ये डार्क इसके बीच में, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी। How will you find it out? ये कैसे आप find out करोगे? You have a cross wire. Cross wire पता है आप लोगों को? देखा है आपने कभी? सर क्रॉस वायर नहीं देखा? सर देखा नहीं है, कभी नहीं देखा? Oh, sorry.
अच्छा कितने लोगों ने आज तक क्रॉस वायर देखा ही नहीं? रेज योर हैंड। होता क्या है सर ये? कितने लोगों ने क्रॉस वायर नहीं देखा? करण भगत सर क्रॉस वायर मतलब हुई ना, एक एक को क्रॉस करता हुआ दूसरा वायर वो देखा सर। अपने प्लेग्राउंड्स में ऐसी ये रहती है फेंसिंग, सर फेंसिंग के अंदर भी क्रॉस वायर रहते हैं। करण भगत यू डोंट प्ले द फ्री फायर? यस सर, पबजी भी या फ्री फायर के टाइप की जो गेम है वो देखते नहीं क्या सर? खेलते नहीं स्कोप में रहता वो क्या सर? हेलो एम आई ऑडिबल? हेलो नो सर। नो बताओ ना भाई क्या हो रहा है। प्रॉब्लम इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर। मेरा क्वेश्चन था करण भगत से, यू आर टॉकिंग वॉइस इज नॉट रीचिंग टू यू। ओके ओके तो मेरा स्पीकर बंद था माइक। यस सर। ओके 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 तो आप लोगों ने सबने क्रॉस वायर देख लिया है सर? वो फेंसिंग के अंदर भी क्रॉस वायर रहते हैं। स्कोप में रहता सर? स्कोप में होता है। कौन से? यस सर 8x में होता है, 2x, 3x सभी में होता है सर। तो जितने भी गेम्स है शूटिंग वाले उसमें क्रॉस वायर होता है। क्लियर? यस सर। रेड डॉट में भी होता है। हाँ मुझे पता नहीं कौन से गेम के नाम बता रहे हैं। मुझे तो फिर सिर्फ एक फ्री फायर और उससे पहले जो पबजी बैन हुआ इसलिए वो पता चला। सर अभी आ गया ना बैटल ग्राउंड पबजी इंडिया। अच्छा तो उसमें भी होगा ऑब्वियस। ठीक है नाउ व्हाट यू कैन डू इज इफ यू टेक द रीडिंग हियर एट दिस पॉइंट। ओके यहाँ पे एक रीडिंग ले लिया आपने और एक रीडिंग यहाँ पे ले लिया। ठीक है तो आपको ये दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो यू गेट द डायमीटर। ये हो गया आपका D1 सपोज डायमीटर 1। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट डायमीटर 2? इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट D1। हाउ विल यू फाइंड आउट D2 एंड देन D3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 कैसे फाइंड आउट करोगे? आई वांट सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना सर प्लीज। बिल्कुल 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 ये डायग्राम है। ठीक है इसमें आपको अगर ये डायमीटर निकालना है फिर से मैं बताता हूँ। ये डायमीटर निकालना है। ये व्हाइट दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा। ग्रीन ले लो। हाँ ग्रीन दिखेगा। ये और ये ठीक है ये दो पॉइंट हो गए आपके। एक क्रॉस वायर आपने यहाँ पे लगाया फिर दूसरी बार यहाँ पे लगाया तो यू गेट द रीडिंग फर्स्ट रीडिंग R1 एंड सेकेंड रीडिंग R2 और इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा दैट विल बी द डायमीटर 1। क्लियर? आगे ध्यान में? नहीं। यस सर। ये कैसे करते हैं सर डिफरेंस? हाँ डिफरेंस मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा निकाल दैट इज व्हाट द डिफरेंस। क्योंकि डायमीटर तो पॉजिटिव हो रहेगा, डायमीटर नेगेटिव हो ही नहीं सकता इसलिए डिफरेंस बोला। सर तो अभी बाकी चीजों का भी डायमीटर निकालना है क्या? हाँ तो कैसे सर? तो फिर जो नेक्स्ट डायमीटर होगा समझो उसके बाजू में तो उसका और R1 का डिस्टेंस अपन पहले ऐड करेंगे और फिर R1 से जो R2 का जो डायमीटर का डिस्टेंस होगा उसमें उतना डिस्टेंस ऐड करेंगे तो वो होगा नेक्स्ट डायमीटर। ओके ये एक तरीका है। और उदय का कहना है कि ये आप यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालो, ये यहाँ से यहाँ निकाल लो और वो yes, डबल कर दो डायमीटर में ऐड कर दो। ओके फिर यहाँ से यहाँ निकाल लो वो ऐड कर दो। बट दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। हमेशा एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी।
एरर तो सभी चीज में आएगा, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा रहेगा। तो इट इज रियली डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन करके कैसे करेंगे? बिकॉज वी डोंट नो द फंक्शन ऑफ दिस। चलो मैं इसको जनरल लाइफ एग्जांपल बताऊं मैं आपको। यस सर। ये है नागपुर, ठीक है, ये है यवतमाल। गए हो कभी इसी रोड पे? यस। यू आर इन वर्धा, दिस इज ऑल्सो 75, दिस इज ऑल्सो 75। नाउ देर आर सम ब्रिज हियर, कहने का ब्रिज है, इक्विडिस्टेंस नहीं होंगे, हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर फॉर अवर सिंप्लिसिटी कि जितने ब्रिज वर्धा से यवतमाल की तरफ है, उतने वर्धा से नागपुर की तरफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नागपुर से और यवतमाल से फर्स्ट ब्रिज जो होगा, यवतमाल से नागपुर की तरफ और नागपुर से यवतमाल की तरफ, इनका डिस्टेंस निकालना। फिर दूसरा जो ब्रिज हो, सेकंड सेकंड, इसका डिस्टेंस निकालना। फिर थर्ड थर्ड, इसका निकालना। फोर्थ फोर्थ, इसका निकालना। Are you getting my point? Third, yes sir. Third, fourth, fourth. आप कैसे निकालोगे? कंडीशन ये है कि कम से कम पेट्रोल में ये होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने नागपुर से ये यहाँ तक आ गए, यहाँ पे जीरो मार्क कर दिया, आपको गाड़ी का जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, ओडोमीटर, वो जीरो कर दिया। वहां से यहाँ तक आ गए, आपको डिस्टेंस मिल गया, फिर वापस गए। हाँ। लास्ट से चालू किया तो लास्ट, हाँ, मतलब वन से चालू किया तो फिर तो डबल आने में लगेगा नहीं सर? डबल सर एक चीज हो सकती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है नागपुर का, वहां से तो ब्रिज तक का डिस्टेंस अगर माइनस करके उतने किलोमीटर माइनस कर दिया, और यवतमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से भी फर्स्ट ब्रिज तक का डिस्टेंस माइनस करके फिर उन दोनों का डिस्टेंस निकाला तो पता चल जाएगा सर। एक एक मिनट, मतलब आप नागपुर से यहाँ तक जाओगे? फिर नहीं नहीं सर, नागपुर से नागपुर के फर्स्ट ब्रिज तक जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट ब्रिज तक उतना डिस्टेंस अपन माइनस कर लेंगे वो किलोमीटर्स में से, फिर उसके बाद जो फर्स्ट, फिलहाल तो पता नहीं, ये पता ही नहीं है, ये डिस्टेंस सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं सर सेम तो हो ही नहीं सकता है। तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे कैसे जाओगे आप ये बताओ। चलो नागपुर से निकले फिर, या वर्धा से निकले, वर्धा से आप कहाँ जाओगे? सर वर्धा से निकलेंगे तो सबसे पहला पुल जो लगेगा उधर जाएंगे सबसे पहले, तो चलो नागपुर के। ठीक है, एक नंबर। फिर वापस आके इधर सर, उसके मतलब डबल डबल ट्रैवल नहीं करेंगे सर, एक तो पहले पूरा नागपुर चले जाएंगे, नहीं तो एक तो पूरा यवतमाल चले जाएंगे सर। चलो ठीक है, पूरा नागपुर चलेंगे। आगे अभी सर अपन चले तो गए, लेकिन सर सारे फ्लाईओवर्स के पॉइंट्स और किलोमीटर्स नोट डाउन करके रखेंगे। अरे हाँ। के नोट डाउन करके रखेंगे। ओके यस सर, वही बोल रहा हूँ, उसको धीरे धीरे माइनस करेंगे, मतलब जाते जाते चलते चलते कहीं रुक के माइनस माइनस करते जाएंगे, उसके बाद फिर वर्धा पहुंचेंगे तो वर्धा से अपन यवतमाल निकलेंगे सर। ओके, फिर ऐसे करते करते सपोज 20 नंबर का नागपुर की तरफ 20 नंबर आ गया, फिर उसके बाद वर्धा तो पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि नागपुर से यवतमाल जाने के लिए वर्धा आ गया। अब वर्धा से यवतमाल की तरफ, वर्धा से यवतमाल, तो वहां से भी सर अपन फिर कैलकुलेट करते करते आएंगे सर। तो ये हो गया आपका, नागपुर से हम हमने ट्राई किया, सपोज 20-20 है, ठीक है, ये मैं इरेज कर दूँ फिर से एक बार लिखता हूँ, ये इसको लिखेंगे हम वर्धा से जो जा रहे हैं, तो उसको 1-2-3-4 नंबर देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि
क्यों नहीं देंगे मैं बताता हूँ, ऊपर जो डायग्राम है ना उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। और ये चार और ये 20, ठीक है, वैसे एक दो तीन चार और ये होगा 20। तो सबसे पहले रीडिंग कौन सा लेंगे आप? नागपुर के चले गए, नागपुर से नागपुर की तरफ है तो इसलिए एन लिख रहा हूँ, 20N, राइट, 20N का मिलेगा ना सबसे पहला रीडिंग। यस सर, यस, 20N, फिर 19N, फिर 18N, कम कम होते जा रहा है, फिर ऐसे करते करते 3N, 2N, 1N, और फिर ये आ गया आपका वर्धा सेंटर पॉइंट, और फिर इधर इधर जाएंगे 1Y, 2Y, 1Y, 2Y, 3Y अप टू 20Y, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। आगे देन में, यस सर, ये समझने के लिए अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्यों करना है, अब यहाँ पे सुन, देखते यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ से ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं कि सेंटर से निकले हम, ठीक है, और देन वन एंड देन यू टेक द सेकंड स्टेप हियर एंड देन कम बैक टू थ्री, कम बैक टू फोर, तो इसमें आएगा आपका एरर, आएगा एरर। अब आपको ढूंढना है कि ये कौन सा एरर आता है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल भेजूंगा इसका। हाँ, ह्यूमन एरर, नहीं नहीं ह्यूमन एरर इज डिफरेंट, दिस इज अ मैकेनिकल एरर, एक्चुअली मशीन एरर, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल, आपने एक नट और बोल्ट लिया, नट बोल्ट पता है? यस सर। चलो मैं ये यहाँ पे दो डायग्राम निकालता हूँ, ये एक पहली डायग्राम है, दिस थ्री डायमेंशन, अच्छी नहीं आई लेकिन ठीक है, एंड देयर इज अनदर डायग्राम, तो दिस नंबर वन नंबर टू, इसमें नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा निकल, अच्छा नहीं निकला, सर सेकंड वाला नट है, फर्स्ट बोल्ट है। और किसी को कुछ कहना है? उसने तो बोल दिया कि ये फर्स्ट वाला नट है, सेकंड वाला बोल्ट है। ओके, यू आर सेइंग दिस इज नट एंड दिस इज बोल्ट, सर फर्स्ट वाला बोल्ट है, सेकंड वाला नट है। ओके, समथिंग लाइक दिस, वो अच्छा नहीं निकला, ठीक है, इट्स ओके, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट नट, दिस इज पैरेलल बोल्ट। अब ये कैसे याद रखेंगे, हुसैन बोल्ट पता है आपको? यस सर, लंबा सा, तो वो हो गया। और नट क्या होता है, खाने वाला, नट पता है ना, खाने वाला, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट कितना बड़ा होता है, ऐसा होता है ये ग्राउंड नट, ये ग्राउंड नट होता है क्या, एक नंबर? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नो सर, डोनट, यस यू आर राइट, डोनट से आप याद रखो नट। ये बहुत बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, नट कौन सा बोल्ट कौन सा, तो नट हमेशा छोटा होता है और ये बोल्ट हुसैन बोल्ट से ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है। अब ये आप नट बोल्ट को एक बार फिक्स कर दिया आपने एक जगह पे, ठीक है, एक कोई भी पोजिशन, स्टार्टिंग पोजिशन आपने लगा दी, देन यू रोटेट द नट अराउंड द बोल्ट और बोल्ट अराउंड द नट, यू कैन डू एनी वन, नॉट बोथ, एनी वन, सपोज 10 times, 10 times इसने आपने रोटेट कर दिया, and then what you did is you rotated it anti-clockwise, क्या बता रहा हूँ मैं, पहले आपने clockwise घुमा लिया 10 times और फिर anti-clockwise घुमा लिया 10 times। क्वेश्चन ये है कि क्या वो दोनों ही समय clockwise में, जब मान लो कि clockwise में ये अंदर जा रहा था, ठीक है, और anti-clockwise में बाहर आ रहा था, तो
तो क्या वो दोनों समय में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है? यस सर। क्या लगता है आपको, सबको लगता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? नहीं सर। क्यों नहीं करेगा सर? वो जो क्या बोलते उसको नट नट के साइड में वो रहती नहीं कैसे गोल गोल चूड़िया, चूड़िया हाँ, तो ऊपर नीचे रहती सर पिच। हाँ अच्छा, वो ये बोल रहे हो आप थ्रेड्स, चूड़िया बोलते सर हिंदी में। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी होती है, ठीक है। हाँ सर, थोड़ी इंक्लाइन रहती है एंगल पे। हाँ इंक्लाइन रहती है, वेरी गुड वेरी नाइस। इसलिए वो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और फिर वहां से वापस आओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे एरर आएगा। इसको कौन सा एरर बोलते हैं? मैकेनिकल एरर है, यस राइट, बट इसको स्पेसिफिकली नाम है, तो स्पेसिफिक नाम क्या है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, अगर मैं नाम बताता हूँ तो आप उसके बारे में तो 100 लाइनें फटाफट बता दोगे, गूगल बता देगा। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, आई एम गोइंग टू गिव यू एवरी डिटेल। इसीलिए, और दूसरा ये होता है कि नट और बोल्ट दोनों एक दूसरे में टाइटली बाउंड नहीं रहते, जो थ्रेड्स है नहीं नहीं वो अनुकूल। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रेड्स अप टू द हेड ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का हेड जब जहां तक है वहां तक हम कंसिडर कर रहे। तो वॉट एवर यू आर रोटेटिंग, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, थ्रेड्स आर देयर, लेकिन उसके थ्रेड और बोल्ट की जो क्या बोल सकते हो, तो रिज जो भी, आई डोंट नो टेक्निकल नेम, तो वो एक दूसरे में फिट नहीं बैठते, टाइटली फिट बैठ गया ऐसा होता है क्या? यहाँ पे ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे टाइट हो गया, तो होता है क्या? नहीं सर, हमेशा प्ले होता है उसमें, प्ले पता है, उसमें प्ले होता है। यस अभिषेक, यू वांट टू आस्क समथिंग? गलती से हो गया। ओके, तो वो जो प्ले होता है ना उसकी वजह से ये एरर आता है। आप उसको 10 टाइम्स आगे बढ़ाएंगे, फिर वो 10 टाइम्स पीछे लेंगे, फिर उसमें वो एरर आएगा। तो जैसे आप उसको पीछे की तरफ रोटेट करना चाहते हैं, इट डजंट मूव एट ऑल फॉर सर्टेन डिस्टेंस, वो इधर मूव ही नहीं होता, इधर तो हो जाता है लेकिन इधर मूव नहीं होता। हाँ लाइक अ स्मॉल गैप, यस गैप होती, छोटी गैप होती, नहीं होगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, इतना फ्रिक्शन होगा कि वो रोटेट ही नहीं होगा, तो पर्पज सॉल्व नहीं होगा हमारा, ठीक है। बैलगाड़ी देखी है आप लोगों ने? क्या सर? बैलगाड़ी सर, बैलगाड़ी हाँ देखी ना बैलगाड़ी सर। हाँ बैलगाड़ी का चाक चक्का जो होता है और उसका एक्सल, उसमें एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये नए वाले नहीं बोल रहा हूँ, पुराने वाले लकड़ी वाले, यस सर। वो क्यों होता है? बैठा भी है, अच्छी बात है, मैं भी बैठा हूँ। तो इसलिए पता है मुझे। और वो चाक होता है ना जो चक्का होता है, तो वो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलता है, उसको कहते हैं प्ले। वो इतना प्ले रखना ही पड़ता है, तो टाइट रहेगा तो चलेगा नहीं ठीक से, ठीक है। सिमिलर थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग विद दिस न्यूटन्स रिंग ऑल्सो, कि आप ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मैं अभी दिखा रहा था आपको क्रॉस वायर, ठीक है, ये क्रॉस वायर इधर घुमाने के लिए आपको एक बड़ा सा ऐसा बोल्ट होता है, ठीक है, तो बोल्ट आप घुमाते हैं। जैसे आप बोल्ट घुमाओगे, मेरे ख्याल से नहीं अंदर रख दिया, ठीक है कल दिखाऊंगा मैं आपको, तो जैसे बोल्ट घुमाओगे और फिर उल्टा घुमाओगे, हाँ उल्टा घुमाओगे, तो फिर उसमें एक एरर आता है, ठीक है। मैकेनिकल वाले जितने लोग हैं उनको पूछ लेना क्या एरर होता है।
because of that error, what we do is we go to extreme situation first. Yahan pe idhar ka 20 ya idhar ka 20, anyone, you start with say this side or that side, aur wahan se phir reading lena start karte. और मान लो कि अगर बीच में एक आध रीडिंग गलत हो गई तो क्या करोगे, वापस जाओगे? नहीं, आपने जैसे डायरेक्शन, जैसे आप मान लो कि क्लॉकवाइज घुमा रहे थे और आपने जैसे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो एरर आ गया, पूरे आपके रीडिंग बेकार. पिच एरर, यस, नो, नॉट पिच एरर. दूसरा एक, दूसरा भी नाम है. Sir, backlash. Yes, it is backlash. Very good. किसने बताया? मुझे पता नहीं, आप जब बोलते हो तो आपका नाम नहीं आता याद. छोड़ कम. ठीक है. That is called as backlash error. Very correct. जैसे वो return करेंगे तो वो error आएगा. इसलिए रिटर्न नहीं करना है. यहाँ पे भी आपको जब ये 20th रिंग पे चले गए आप, तो 20 से स्टार्ट नहीं करना, आपको थोड़ा सा आगे जाना है, 25 तक वापस आना है, 20 तक आएंगे फिर वो 20 का रीडिंग लेंगे. नहीं तो क्या होगा, सेंटर से 20 तक गए और फिर रिटर्न किया तो यहाँ पे एरर आ गया, पहले रिंग में एरर. इसलिए आगे चले जाओ 25 तक, वापस आओ 20 तक और फिर ये एक ही डायरेक्शन में रीडिंग ले लो. जैसे हमने यहाँ पे किया, ये ब्रिज नंबर 20, फिर 19, फिर ऐसे ऐसे करते करते सेंटर, फिर पास, एंड देन यू जस्ट मेक द डिफरेंस ऑफ 20 20 19 19 18 18, देन यू विल गेट द डायमीटर. वंस यू गेट दिस डायमीटर्स, देन यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द डी एन स्क्वायर एंड डी एन डायमीटर स्क्वायर एंड द नंबर ऑफ रिंग. फिर उसके आप ग्राफ निकालोगे तो आपको सीधा सीधा इसका स्लोप निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि आर अगर पता है तो लैम्बडा निकाल सकते हैं, लैम्बडा पता है तो आर निकाल सकते. वेरी वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, वेरी यूजफुल. ठीक है, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम में देता हूँ, फिर हम यहाँ पे रुक जाते हैं. आई ऑलरेडी टेकन स्लाइटली मोर टाइम. प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दी इट वॉज टू म्यू टी कॉस आर equal to n lambda for dark. We'll take only one condition for dark. And we know the thickness T, sorry, thickness, calculate kiya tha na, yeah, r n square. ओके, आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन लैम्बडा आर. उससे पहले हमने कैलकुलेट किया था ये आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर, थिकनेस वाज आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर. फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थिकनेस टी इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर. नाउ आई डोंट वांट टू इरेज दिस म्यू, बिकॉज नाउ इन दिस गैप, ये जो गैप है यहाँ पे मैं कुछ लिक्विड डालना चाहता हूँ. ठीक है, और लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू रहेगा, एयर का वन है, मुझे पता ही. समझ में आ रहा है, ये न्यूटन रिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये एयर फिल्म था, एयर फिल्म की जगह अब मैंने लिक्विड डाल दिया. अब इस लिक्विड का मुझे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना. अब मुझे बताओ यहाँ पे जो रिंग मिल रही थी ये सब, तो जैसे लिक्विड डालेंगे तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़े, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग्स विल इंक्रीज और डिक्रीज. ये पहला क्वेश्चन. ठीक है, डायमीटर विल इंक्रीज और डिक्रीज और इट रिमेंस सेम जब आप एयर को लिक्विड से रिप्लेस करोगे. और दूसरा, नाउ वी आई जस्ट राइट टू म्यू टी इक्वल टू एन लैम्बडा. ठीक है, कॉस आर इक्वल टू वन बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, जगह मैं ये पुट करता हूँ तो टू म्यू टी टी आर एन स्क्वायर बाय टू आर इक्वल टू एन लैम्बडा. टू टू गेट कैंसल्ड आउट एंड देयरफॉर आर एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय
म्यू, ठीक है, और आई कैन राइट डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, ठीक। एयर के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ये हो गया मीडियम, एयर के लिए क्या था ये यहाँ पे लिखना, एंड देन फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशंस फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिमेंबर फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस ओनली, आई डोंट नो व्हाट इज लैम्बडा, आई डोंट नो रेडियस, सो इवन इफ यू डोंट नो रेडियस एंड द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स यू कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कैसे कैलकुलेट करो,